अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोनिस कादरी आपको अपने अपने पसंदीदा चैनल हुक पर खुश आमदेद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जिस हमारा मकसद था जाने का, अहद मसूद और नईम उल हक हमारे साथ हैं, उनको अभी तारुफ कराऊंगा मैं। बहरहाल किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन प्रोटीज़ की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हम 14 साल बाद यहाँ पे आए हैं। और ये समझे सिलसिला जो है टूटा था 2009 में, जब इंटरनेशनल टीमें यहाँ आना बंद हो गई थी। उसके बाद 2019 से ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, कुछ टीमें आना शुरू हुई। सबसे पहले श्रीलंका की टीम आई थी 2 टेस्ट सीरीज के लिए थी। अब हम प्रोटीज को या साउथ अफ्रीका की टीम 14 साल बाद यहाँ पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 T20 खेलने के आए, क्विंटन डी कॉक की क्यादत में यहाँ पे मौजूद है और हम उनको बहुत खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी क्रिकेट मिलेगी। पाकिस्तान की टीम को देखा जाए तो उसने वसीम ने अपनी चीफ सेलेक्टर ने अपनी टीम पाकिस्तान की टीम अनाउंस कर दी है। बाबर आजम जाहिर दोनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। टीम में काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, तो इस पे हम या टीम पे डिस्कस करने से पहले मैं अपने साथी को मुतारिफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद है नईम उल हक, सबका फर्स्ट क्लास प्लेयर और क्रिकेट पे बहुत अच्छा बोलते हैं, क्रिकेट बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और यही हाल हमारे साथी अहद मसूद बॉबी का है, ये भी क्रिकेट PWD में भी हमारे साथ थे, फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं सबका, और क्रिकेट को बहुत चाहते भी हैं और बहुत अरसे से फॉलो भी करते हैं और खेलते भी थे। तो आप दोनों खुश आमदेद नईम उल हक। थैंक यू। तो जैसा कि हमने देखा प्रोटीज साउथ अफ्रीका की टीम आई है, बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को इससे इस टूर से क्या हासिल करना चाहिए और आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ हासिल कर सकता है पाकिस्तान? मोनिस, पहले तो इन 20 लड़कों की बात करते हैं जो जो वसीम अहमद ने वसीम जो अभी अनाउंस किया है ना, 20 लड़के जी जी तो पहले तो मैं उसको एनालाइज कर लूं, क्योंकि हुआ ऐसा है कि हम लास्ट 2 सीरीज जो है ना काफी बुरी तरीके से हार गए। पूरी तरीके से तो नहीं हारे, लेकिन हार गए। इंग्लैंड में भी हम हारे, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, हम वहां पे भी हार गए। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर बन गया था, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक के जो लड़के थे उनको हम इतनी अहमियत नहीं दे रहे थे। हम वही लड़के हेर फिर के वही टीम ले जाते थे, सिवाय एक फवाद आलम को हमने दोबारा टीम में शामिल किया था, उसको हम इंग्लैंड ले गए थे, वो भी प्रेशर था। तो ये बहुत अच्छी रिवायत कायम की है वसीम ने कि सारे डोमेस्टिक के प्लेयर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनको ऑनर किया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाली एक आध सीरीज के लिए होगा, उसके बाद फिर हम उसी डगर पे आ जाएंगे, जो हमारे लड़के होंगे हम उसी को उन्हीं को चांस देंगे, उन्हीं को खिलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो गया था मीडिया की तरफ से कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है उनको शामिल नहीं करते। अब उन्होंने ताबिश खान को लिया है, ताबिश खान ऑलमोस्ट 37, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्म करता है वो पिछले 3-4 सीजन से, वैसे तो पिछले 10 सीजन से कर रहा है, लेकिन उसको राइट टाइम पे राइट जगह पे नहीं खिलाया। वो बिल्कुल अब्बास की तरह बॉलिंग करता है, उसकी लाइन और लेंथ मैंने देखी है, अभी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट देख रहा था, ही स्टिल बॉलिंग गुड। उसकी वो बात नहीं होगी जाहिर है जो आज से 10 साल पहले थी या 5 साल पहले थी या 6 साल पहले थी, लेकिन अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। सिंध से उसने मेखल तकरीबन सारे मैच खेले हैं, अगर एक दो मैच नहीं खेले होंगे, आउट भी किए हैं उसने, दो दो तीन तीन, एक मैच में 5 भी आउट किए थे। तो अब उसको आप होम कंडीशन पे खिला रहे हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड उसको ज्यादा सूट करती थी, आप वहां नहीं लेके गए, यहाँ भी पता नहीं खिलाते हैं नहीं खिलाते। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये मीडिया के प्रेशर पे हम लोग सारे काम करते हैं, हमें इतना प्रेशर आया, हमने अब पूरे डोमेस्टिक पे जिस जिसने परफॉर्म किया था उस सबको हमने टीम में डाल दिया है। उसमें एक ऑफ स्पिनर है साजिद खान पिशावर का, बहुत अच्छी गेंदे कर रहा है। उसके अलावा गुलाम एक लड़का है, गुलाम मैं भूल रहा उसका पूरा नाम, उसने 1200-1300 रन किए हैं, उसको भी हमने उसमें शामिल कर लिया है। तो ये सारी बातें, अब लेट्स सी के किस किस को चांस मिलता है। सऊद शकील को चांस देना चाहिए, सऊद शकील बहुत अच्छा प्लेयर है, पिछले 3-4 सीजन से बहुत रन कर रहा है, उसको बैटिंग करनी आती है, दाम लेनी आती है, लंबी इनिंग खेल सकता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डर भी बहुत अच्छा है, इवन वो कप्तान भी बहुत अच्छा है। उसने पाकिस्तान एक ही भी कप्तानी की है, और एक इमरजिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें इंडिया भी थी, हम वो टूर्नामेंट जीत के भी आए थे, तो उसमें कुछ कप्तानी के भी जरासीम है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेटर, इंशाल्लाह अगर हम विकेट अच्छी बना दें, क्योंकि हमें विकेट बनानी भी नहीं आती, तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ नहीं, ये बहुत सही बात बोली नईम ने, कुछ नए तकरीबन नए नए जो है नौजवानों को शामिल किया गया तकरीबन 9, और उसमें से बॉबी आप क्या देखते हैं, उसमें से काफी जो पुरानी टीम के लड़के थे उसको ड्रॉप किया गया, मसलन शान मसूद ड्रॉप हुए, असद दोबारा कंसीडर हम समझ रहे थे करेंगे नहीं किया, इफ्तिखार को ड्रॉप किया, हारिस सुहेल
को ड्रॉप किया, उस्मान सलाउद्दीन ने काफी रन किए थे उसको भी नहीं लिया उसमें। इसी तरह जफर गौर ने, अच्छी बैरल बॉलर था ऐसे, लेकिन बैटिंग भी अच्छी की, उसको चाहिए था कि फिनिश करता। तो आप किस तरह देखते हैं इनको, जिन लड़कों को ड्रॉप किया और 20 रुकनी टीम अनाउंस किया? मेरे ख्याल में जो है तजर्बा क्या है, चलो करने दो तजर्बा, फाइन। लेकिन यहाँ मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, लड़के डोमेस्टिक में लिए, परफॉर्मेंस इन्होंने किया, फाइन, आई होप कि अच्छी परफॉर्म करें अपने होम कंडीशन में। हसनैन को आपने क्यों नहीं लिया, उसका क्या कसूर है? जो एक बैट्समैन को तो आप टेस्ट मैच नहीं खिला सकते कि ये 2020 का है, कि भाई 2020 में स्लिप नहीं होती हैं, ऊपर से मार देते हैं। बैटिंग को तो समझ सकता हूँ, लेकिन एक बॉलर जो 2020 में परफॉर्म कर रहा है और एनर्जेटिक है, यंग है, स्पीड है, लेंथ है, तो वो अगर 2020 में कम रन दे रहा है तो वो टेस्ट में तो ज्यादा अफेक्टेड होगा। उसने क्या कसूर किया, उसको लेके जा रहे हो, 2020 खिला रहे हो, परफॉर्म भी कर रहा है, लास्ट 2020 में उसने खल में एक आउट किया है, 24 रन दिए 4 ओवर में। आपने बिल्कुल, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसने लास्ट वनडे उसको खिलाया था, उसने 5 आउट किए अगेंस्ट जिम्बाब्वे। नहीं, न्यूजीलैंड में एक वनडे खेला है उसने भी खल में। नहीं नहीं, 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 यहाँ जब जिम्बाब्वे आई थी तो उसको एक वनडे खिलाया था उन्होंने आखिरी, हाँ, उसने 5 आउट किए थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप किसी बैट्समैन को तो यूं सिलेक्टिंग कर सकते हैं कि यार ये 2020 का है, ऊपर से मारता है, टेस्ट मैच में स्लिप लगी होंगी, चलो बात मानी जा सकती है। लेकिन एक बॉलर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते कि ये 2020 का है, वो जब कम रन दे रहा है 2020 में, उसकी स्पीड है, यंग बच्चा है, एनर्जेटिक है, भागता है, फील्ड भी अच्छी करता है, उसने क्या कसूर किया है? या तो आप कहो ये इसकी एज बहुत हो गई है, या लेंथ लाइन से नहीं है, या फाइन लेंथ लाइन स्पीड सो ओवर 40 करता है कंसिस्टेंटली, समझ रहे हो, उसको लेके जा रहे हो 20 खिला के लेके और आके साइड में बिठाए, तो और कोई लाम लेने वाला नहीं है उसका। और मैं समझता हूँ असद शफीक के साथ भी जाती कर रहे हैं ये लोग, वो भी बेचारा को बुढ़ा नहीं हो गया, इतने रन किए हुए उसने, सही है फेल हुआ, हाई टॉप मतलब आपने उसको ड्रॉप कर देते हैं एक दो मैचों में, पहले न्यूजीलैंड लेके नहीं गए, एक्सपीरियंस प्लेयर था, अब एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है और दूसरी तरफ 35 लड़कों में असद शफीक का नाम ही नहीं है, मतलब टैलेंट तो है आपके पास जब असद शफीक 35 में नहीं है। तो बहरहाल मैं तो तजर्बा इन्होंने किया है, नए लड़के लेके आए हैं, देखो आई होप कि क्या होता है, लेकिन वो बात यही है ना कि जब जब आप बाहर का टूर करेंगे तो उसमें असर होता है, आप होम डोमेस्टिक में अपने साथ खेल, मतलब अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, इतना आसान फिर भी नहीं होगा इनको हराना साउथ अफ्रीका को, लेकिन चलो होपफुली कि हमारी बैटिंग तो अपने उसमें विकेट में कंपेरेटिवली बैट्समैन परफॉर्म बेहतर करना चाहिए उनको। मेरा दोनों से ये सवाल है कि हम ऑस्ट्रेलिया गए, अजहर अली खेला, अजहर अली ने कुछ नहीं किया दोनों मैचों में, इंग्लैंड में अजहर अली ने एक अच्छे 100 किए थे, उसके बाद यहाँ न्यूजीलैंड में भी अजहर अली ने आके कोई मतलब ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो ये सारी जो भी होती है बॉडी लैंग्वेज और सारी परफॉर्मेंस, ये सारी सिर्फ अशर शफीक और सरफराज और फवाद आलम इन लोगों के लिए होती है, मतलब और दूसरे लड़के जो है उनको छूट दे दी जाती है कि नहीं नहीं कोई नहीं यार इसमें बड़ा टैलेंट है। अजहर अली में भी नो डाउट 6000 रन है, 17 सेंचुरियां है, लेकिन अजहर अली असद शफीक ने 77 टेस्ट मैच खेले कंटिन्यूअस, ठीक है ना, और उसकी 12 सेंचुरियां भी हैं और 6 नंबर पे जाके उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसने सबसे ज्यादा सेंचुरियां की है। आपकी बात काटो, देखो मैं समझता हूँ असद शफीक को सही लेके आए, आई मीन अजहर अली को बिल्कुल सही लेके आए, लेके आना चाहिए था, फेल हुआ कोई बात नहीं, नहीं नहीं लेके नहीं आए थे, अजहर अली तो ड्रॉप ही नहीं हुआ था भाई। नहीं 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 अजहर ड्रॉप हुआ है कहीं? नहीं नहीं वो कभी ड्रॉप नहीं हुआ, कहीं ड्रॉप नहीं हुआ, चलो वो सही खिलाया उसको क्योंकि भाई बड़े पीछे रन किए थे उसने, लेकिन जब आप असर को खिला रहे हो थोड़ा सा कभी खिला कम है, थोड़ा सा क्विकली मैं बता दूं हमारे पास यानी ओपनर्स में अगर आप देख ऊपर से ओपनर से डिस्कस कर लेते हैं, अब्दुल्ला शफीक, इमाम भट्ट, वो इमरान भट्ट लिए दो नए, आबिद अली और तो पहले के आबिद अली, इमरान भट्ट और अब्दुल्ला शफीक तीन ओपनर है, तीन ओपनर है, मेरे हिसाब से इमरान भट्ट और आबिद अली खेलेंगे, अब्दुल्ला शफीक हो सकता है भाई, अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, वो बेचारा फेल हुआ है, अच्छा टैलेंटेड है, एक तो उसको थोड़ा फर्स्ट क्लास खेलने देते, एक मैच खेला है फर्स्ट क्लास का,
और उसने 100 किए। वो मिसबा को बहुत पसंद आ गया था, मिसबा उसको हर जगह लेके गया, चांस भी दिया उसको। खैर वो तो अनफॉर्चुनेट है कि उसने रन नहीं किए, अच्छा प्लेयर है। एक कराची में उसने कई एक मैच में 40 कुछ किए थे, इतना बुरा प्लेयर नहीं है वो। और उसको फिर लेकिन बाद में उन्होंने शाइन से भी निकला। खैर इसी तरह अब हम मिडिल ऑर्डर पे आते हैं तो उसमें अजहर अली आ जाते हैं, हालांकि उसको ओपनर भी बाबर आजम है, फवाद आलम, इसमें भी नए जो चेहरे हैं उसमें कामरान गुलाम है, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा, ये प्लेयर लिए हैं। तो इसमें से साउथ शकील भी है, मोनिस शकील के साथ एडवांटेज ये है कि लेफ्ट आर्म स्पिन भी ये कर सकते हैं, इसके अलावा बोला कामरान भी शायद ऑफ स्पिन कर लेते हैं। बहरहाल ये मिडिल ऑर्डर में इसी तरह अगर आप स्पिनर्स में देखा जाए तो नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे, ये भी अच्छी प्रोस्पेक्ट है। साजिद खान बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर हैं और इस पर काफी नजरें रख रहे हैं। यासिर शाह तो है, इसके अलावा नवाज ऑलराउंडर में आ जाएंगे, नवाज को लिया इन्होंने। इसी तरह पाकिस्तान की अगर वो फास्ट बॉलिंग में तो आपको पता है हारिस रऊफ को, जैसे बॉबी बात कर रहा था कि जब हसन को मौका दे सकते हैं, इसी तरह हारिस रऊफ को मौका दिया इन्होंने। हसन अली ने दोबारा कम बैक किया, अल्लाह करे उसकी इंजरीज से और बैटिंग दोनों से हम फायदा उठाए। ताबिश खान बेहतरीन बॉलर और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत, बाकी मोहम्मद रिजवान है, सरफराज है, फहीम अशरफ हैंगे। फहीम अशरफ जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं कुछ ये झलक, जैसे इंडियन प्लेयर है ना नए जो आए बगैर फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, ये वाले टीम में ऐसे लड़के नहीं दिख रहे। फहीम अशरफ आए, अपने शॉट नहीं रोके, उसने आउट होना आपको चाहे उसने 10 रन करें चाहे 20 रन करें, लेकिन उसने खैर रन अच्छे किए, लेकिन आपको लगा कि यार उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी। तो इस दो लड़के थे मोनिस, दो लड़के थे, एक रिजवान और एक फहीम अशरफ। हाँ रिजवान, लेकिन आपकी बात, आप अजहर अली भी आखिरी दो इनिंग में बड़ी पॉजिटिव खेला है, उसके कॉन्फिडेंस आया उसमें। बॉबी दिस इज द वे टू प्ले, यही है आजकल के क्रिकेट में, आपको बॉल मिलेगी तो आप मारोगे। जी जी, नहीं आपको द बॉल बनानी पड़ेगी आजकल के क्रिकेट में, तो ऐसा है। लेकिन वो तो यू मस्ट, वो आप वो क्या होगा, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, एक ही बॉल पैड पे लगेगी और वहीं आउट हो जाता है। मेरे हिसाब से मोरिस हारिस रऊफ की जगह, मेरी हारिस सुहेल की जगह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद साउथ शकील को चांस देंगे ये लोग, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन वो कामरान, क्या कह रहे हो तुम, गुलाम, क्या नाम है गुलाम जी, वो बुरा प्लेयर नहीं है, उसने रन्स किए। और ये जो आप सलमान अली आगा, सलमान बहुत अच्छा खेलता है, बहुत मैंने इसके 2-3 इनिंग्स देखी है टैलेंटर्स के साथ, नीचे आके जब बैटिंग खत्म हो जाती है बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी इसने, एक दो मैचों में ऑफ स्पिन भी कर लेता है। साजिद खान ने बहुत आउट किए, नमाल अली हैदराबाद का है शायद, हैदराबाद का है वो, उसने पिछले 3-4 सीजन से हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन उसकी भी एज हो गई है, लेकिन भारत आप उसको खिला सकते हो। लेकिन नईम साहब हमारी मसला ये है ना कि एक्चुअली होम एडवांटेज लेना बहुत बड़ा मसला है, इनको विकेट बनानी आती नहीं है, या तो बिल्कुल ही शायद बैटिंग विकेट हो, यू नेवर नो, विकेट तेजी हो भाई, इसके बाद हमारी इंग्लैंड से सीरीज। नहीं मोनिस, आपकी बात करता हूँ, देखिए होम एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है ना वो होता है कि आप कैसे विकेट बना रहे हो, समझ, ये वो पाकिस्तानियों को आती नहीं है विकेट बनाना। हाँ तो ये कैसे विकेट बना देंगे, जो बन गए सही है, समझ लो, बस होम एडवांटेज यही होगा हमको कि बैट्समैन उन विकेटों में बैटिंग कर जाएंगे। लेकिन आप आई डोंट नो कुछ कह नहीं सकते विकेट कैसी हो, पता चला दो इनिंग ही खत्म ही ना हो, चार तो बहुत दूर की बात है। आप एडवांटेज, आपको एडवांटेज चाहिए, विकेट बनानी चाहिए जो आपके स्पिनर को सपोर्ट करे। आपको दो दो तीन स्पिनर के साथ चले जाओ, क्या हो गया है, दो तेज बॉलर तीन स्पिनर, वो जाओ नवाज को आप रख लो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर। नवाज जो है वो गेंद भी कर लेता है, पहले भी टेस्ट खेला है वो, उसको खिला सकते हो, फील्डर विल्डर भी अच्छा है, बैटिंग कर लेता है। और आप दो तेज बॉलर पे जाओ, दो पे भी नहीं जाओ, फहीम अशरफ को साथ एक और किसी को रख लो, पूरा पूरा एडवांटेज लो, स्पिनिंग विकेट बना दो। इंडिया यही तो करता है, पूरा एडवांटेज लेता है, चार दिन में मैच खत्म कर देता है। बिल्कुल, आप ये नहीं कि 3-4 टेस्ट आप तेज बॉलर खिला रहे हो, आप मतलब प्रॉब्लम यही है ना, विकेट कौन बनाएगा, विकेट कौन बनाएगा, किसी को नहीं है यार। टेस्ट एक लाहौर में टेस्ट है, वो एक प्रिनी में टेस्ट है, और 3 T20 जो है वो लाहौर में होंगे, तो एक कराची में पहला टेस्ट है, और फिर उसके बाद कराची में तो हमेशा से विकेट थोड़ी सीमिंग विकेट होती है, शाम में थोड़ी सी सीम कर, थोड़ा सीम होने लगता है। उनके पास 3 तेज बॉलर हैं जो 140 प्लस करते हैं
नोकिया, टाटा और एक और कोई बॉलर है, नेगेडी है, नेगेडी पता नहीं, नेगेडी नेगेडी क्या नाम है उसका। और लेकिन इसके बाद पाकिस्तान जो इंग्लैंड जुलाई में इंग्लैंड का दौरा भी करेगी, वहां पे तीन ओडीआई है और तीन टी20। मोनिस आई गेस इसके फौरन बाद शायद जिम्बाब्वे आएगी, हमें जिम्बाब्वे जाना है ऐसे ही कुछ है। और लेकिन जुलाई में जो है ना इंग्लैंड भी जाना है, असल टूर जो इंग्लैंड का है उसके फिर भी इंग्लैंड। जुलाई के बाद में हम यहां वेस्ट इंडीज आ जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अगस्त में वेस्ट इंडीज में। अगस्त में वेस्ट इंडीज। और वेस्ट मोनिस पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलेगा इंग्लैंड में? नहीं। जाने से इनकार कर दिया नए कप्तान ने, बड़ा अच्छा। उस पर हम एक प्रोग्राम करेंगे बाद में, क्योंकि टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। पाकिस्तान की सिलेक्शन पे बात कर ले और इनको विश कर दे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे। विश तो हमेशा हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। हम तो हमेशा से चाहते हैं कि पाकिस्तान नंबर वन हो, बस नियतें सही कर ले, नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ टीम सेलेक्ट करें, सब काम अच्छे हो जाएंगे। सब काम अच्छे। हाँ नहीं, ये तो आपका सही बिल्कुल। देखो मोनिस, मैं नईम की बात को जस्ट करता हूँ। देखें आपने पाकिस्तान में जो ना उन्हीं लड़कों में जो टैलेंट है ना, उन्हीं में से लड़के निकालने हैं जितना भी टैलेंट है। इन दिनों पाकिस्तान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप फेयर सिलेक्शन करो। वहां आप गलती कर सकते हो, फेयर सिलेक्शन में गलत किसी को चूज कर लिया, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन जब आप नेगेटिव अप्रोच रखेंगे ना कि नहीं इसको नहीं खिलाना वो नहीं करना, तो वहां वो सारे मसले पैदा होते हैं जो कि खत्म नहीं होते। लेकिन आप उसको मिनिमाइज करें, कम करें उसको, यू नो, आप उसको ज्यादा वो नहीं, ज्यादा जाती नहीं करो किसी के साथ, बस ये है। बाकी टैलेंट आपके पास जाइए, इसी में से लड़के आपने निकाल लें जो भी आपके पास है। साबिश और सऊद शकील जो है, ये समझे कि क्लब क्रिकेट की भी पैदावार है। ये पाकिस्तान सीसी से खेलते हैं, नदीम उमर और आजम खान को इसका क्रेडिट जाता है, मैं तो कहूंगा। और जोन छह के ये प्लेयर हैं, और भी प्लेयर अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन ये कि साबिश खान और ये मुस्तकिल एक पाकिस्तान सीसी का क्लब है पाकिस्तान। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोरिस आप तो इनको कोच कर चुके हो दोनों को, साउथ को। मैं गलत नहीं हूँ जी, मैं साउथ को अंडर 19 से कर रहा हूँ। ताबिश जो है, मैं जोन छह का कोई कोच था, ताबिश मेरे साथ राय बाल, इनसे मैंने सीखा उल्टा। बहुत बहुत प्रोफेशनल ताबिश, शुरू से बहुत प्रोफेशनल और बड़ा एनर्जेटिक है, और एक दफा जब इन्वॉल्व हो जाता है खेल में फिर आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। मुझे याद आ गया क्योंकि मुझे याद है आप जोन छह के कोच थे, तो ये सब जोन छह के हैं। बहुत बड़ा ओबीडियंट और बहुत यानी सुनने वाला है, अगर इसको सही गाइड करेंगे। ये बहुत प्रोफेशनल अप्रोच है इसकी, बीच में इसने रन नहीं किया लेकिन इसने फाइट बैक करके कम बैक किया, और इसने और बहुत फिट प्लेयर है। बाहर जैसे देखें मुझे गाइड तो आप करना चाहिए करेंगे, लेकिन क्रिकेट में एट द एंड ऑफ द डे